यार खिलाने में लगे सर सामने आइए ना मैदान में राजवीर सर सामने आइए काम करो राजवीर सर सामने आइए प्यार हो हाँ तो बोलो क्या बोलूँ आ गया ठेके लिए एक मिनट अच्छा प्यार यही है सामने आइए भाई क्या करोगे राजवीर सर लड़की होती तो समझ में भी आता तुम ये मेरे में राजवीर सर सामने अरे यार सॉरी अब केक खिलाइए सर मुझे ऑफिस में चाहिए कैमरे को बुलाइए आप लोग कहीं मेरे चेहरे गुड कॉल भाई ये लो डाइट नहीं ए शिशिर अरे शिशिर फोटो खींच नहीं रहा फोटो कैसे आएगी थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस 50 एपिसोड जी तो क्या कहना चाहेंगे अब तक की जर्नी के बहुत मजा आ रहा है पता ही नहीं चला 50 एपिसोड हो गए हमारे एक्चुअली नहीं पता चला कि 50 एपिसोड कम कंप्लीट हुए सच में बहुत स्पीड से गए हाँ। और ऐसे ही जल्दी जल्दी 100 हो जाए 150 हो जाए 200 हो जाए बड़ा मजा आएगा 500 हो जाए नहीं अगले साल फिर मिलेंगे हम लोग 1000 एपिसोड पे 500 हो जाए 50 एपिसोड पूरे हो गए कोई ऐसा एक फैन मोमेंट जो आपके इंस्टा पे या मैसेज पे कोई भी किया है आपके इस फोन को ये बता पाएगी बता इसको तो बहुत कमेंट्स आते हैं बिंदु को तो इतने कमेंट्स आते हैं ना डेली मैसेजेस मेरे हर एक लुक के चेंज पर लोगों का ध्यान है कि आज आपने ये रंग की साड़ी पहनी थी आज आपने ये किया था ये ऐसा मेकअप किया था तो इतना डिटेल में वो लोग नोटिस भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल होती है क्योंकि हर एक टेक के पीछे हमारा थॉट जाता है कि अब क्यों चेंज दिया जा रहा है या क्यों ये लुक चेंज कर रहे हैं और अगर उसको अप्रिशिएट किया जाता है ना ऑडियंस की तरफ से तो बहुत अच्छा लगता है सो थैंक यू और ऐसे ही मैसेजेस करते रहिए बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में थैंक यू से मैं कमेंट्स या वो तो मैं पढ़ता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे लेस एक्टिव हूँ मैं पर हाँ आयुषी के थ्रू या वाया मुझे थ्रू इसे पता चलता है क्योंकि फैंस भी मुझे मैसेज करते हैं कि प्लीज राजवीर भैया को बताइए हम उनके बहुत बड़े फैन हैं आई विल ट्राई बस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू थैंक यू शूट के दौरान मेमोरीज तो बहुत सारी होंगी एक मेमोरीज अगर फैंस के साथ शेयर करना चाहिए एक मेमोरी तो आपने यही बना दी अभी 50 एपिसोड की आप लोग केक लेकर आए हैं आप लोग हमारे लिए आए हैं यहाँ पर इतनी दूर से बारिश में से बीच में से निकल के तो एक मेमोरी तो स्पेशल मोमेंट तो यही हो गया हमारे लिए उसके अलावा हमारे लिए स्पेशल डे है कि हमारा शूट नहीं रुक रहा है चाहे बारिश है चाहे तूफान है तो बारिश आ गई तो हम बारिश का सीन क्रिएट कर देते हैं तूफान है तो तूफान का सीन क्रिएट कर देते हैं इसमें हमारे सीन नहीं खराब करता हम मौसम के साथ एडजस्ट करके हम सारे सीन शो का फॉर्मेट वैसा है ना आप लोग एक साथ 12-12 घंटे शूट करते हैं तो एक दूसरे के आदत से भी पता है तो कोई दो चीज इनकी जो आप बताइए अच्छी लगती है और दो चीज जो आपको हमेशा थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कुछ ऐसा करती होगी और आप इनकी मुझे आयुषी की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आयुषी चीजों को लेट गो कर देती है ज्यादा स्ट्रेस में नहीं दिखेगी ये इसको ज्यादा इतनी सी जिंदगी मिली है हाँ उसमें कुछ भी कितनी ही बड़ी बात हो जाए तो ये लेट गो कर देती है वो बहुत अच्छी आदत है मैं फिर भी थोड़ा सोचता रहता हूँ सोचते हैं अरे छोड़ ना भाई ये मेरा जो बुरा पॉइंट था ना बुरी आदत इसकी ये यही है कि बहुत सोचता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो थोड़ा लाइटन अप कर दूँ मूड और अगर ये थोड़ा सा अपसेट दिखेगा मुझे सेट पर मैं पता चलता है पता चलता है भाई चुप रे और सब ठीक हो जाता है फिर
जब कोई शूट चालू होता है स्टार्टिंग में 50 या 100 धीरे धीरे जब बढ़ते रहते हैं फैन फॉलोइंग बढ़ते तो क्या लगता है कि एक्सपेक्टेशन फैंस की आपसे बढ़ जाती है? आई थिंक इस शो को ज़्यादा मतलब नॉट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स बट ये शो ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को कि ये स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है कि हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा हाई पॉइंट पे हम छोड़ देते हैं कि उनको देखना ही पड़ता है अगला एपिसोड कि आगे क्या हो रहा है कहानी में, तो बहुत यूनिक बात है इस शो की। देख यार पता है क्या है, फैंस फॉर एग्जाम्पल अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, लियोन मेसी है, रोनाल्डो है, फैंस तो लाखों करोड़ों हैं, है ना, स्टेडियम में लाखों लोग होते हैं, पर वो जो अपना खेलना है वो तो चेंज नहीं करेगा ना, वो तो नेचुरल गेम ही खेलेगा अपना, है ना, वो उस प्रेशर में नहीं रहेगा कि मुझे 1.5 लाख लोगों को खुश करना है, मुझे इनके सामने परफॉर्म करना है, वो जितना नेचुरल और ऑर्गेनिक रहेगा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा और इसी वजह से शायद उन लोगों को पसंद भी किया जाता है। तो हमारे शो में अगर ये सब होता है, अगर यह होता आएगा, तो हम जितने नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से काम करते आए हैं वैसा ही काम करेंगे और वही आप लोगों को पसंद आएगा। बॉन्डिंग की बात करें तो आप लोगों की बॉन्डिंग किसके साथ सबसे अच्छी? आयुषी के साथ ज्यादा, हम खड़े हैं साथ, खड़े हैं साथ में। तीसरा शो है यार बैक टू बैक। ओके लास्ट जाते थे फैंस के लिए क्या कहते? फैंस के लिए थैंक यू सो मच, 50 एपिसोड कंप्लीट हो गए, पता ही नहीं चला, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, साथ दिया, आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए, प्यार देते रहिए और टर्न एंड ट्विस्ट हम लाते रहेंगे। बिंदु है हमारे शो में टर्न एंड ट्विस्ट के लिए और मैं हूँ उसको फिगर आउट करने के लिए। जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। सबसे पहले स्वागत है आपका टेलीविजन में, और आपकी प्रीति फ्रॉम 10 से 29 की आखिरी 10 तक। सो आज हमने 50 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, उसी के मौके पे हम सब साथ में आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए एंड मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बिकॉज यू नो दिस इज़ माय फर्स्ट शो एज लीड, तो स्टार्टिंग से मैं बहुत नर्वस थी, इनफैक्ट अभी भी नर्वस रहती हूँ बिकॉज आई फील कि मेरा हर दिन मेरे फर्स्ट डे जैसा ही है, आई टेक इट दैट वे एंड मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि ऑडियंस है उसको मैं क्या हर मतलब हर एपिसोड में कुछ डिफरेंट दे पाऊँ एज एन एक्टर। सो इतनी जल्दी 50 एपिसोड पूरे हो गए मैंने सोचा भी नहीं था, इट जस्ट फेल्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर द फर्दर जर्नी। जैसे कि आपने बताया फर्स्ट लीड शो है, तो राजवीर सर काफ़ी एक्सपीरियंस है, पहले भी उन्होंने काफ़ी लीड शो किए हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करने? देखिए इसके पहले मैंने पैरेलल लीड किया था स्टार प्लस का एंड ये मेरा स्टार भारत पे फर्स्ट लीड है, तो वर्किंग विथ राजवीर इट्स बीन I always have a good time working with him, shooting with him. We enjoy doing our scenes together and मैं mock shoot पे पहले उनसे मिली थी, तो हमारा mock shoot तो ऐसे हुआ था कि हमने बस बाहर में हाई हेलो किया सीधा हमने mock shoot कर दिया, तो वहाँ पे पता ही नहीं चला, कोई प्रेशर ही फील नहीं हुआ, तो मुझे जब पता चला कि यू नो वी आर टुगेदर हियर तो मैं खुश थी कि चलो यू नो एक कम्फर्ट बिल्डअप हो गया है तो अच्छे से सीन्स में निकल जाएंगे और ऐसा प्रेशर और कम ये नर्वसनेस भी नहीं होती। सेट पे सबसे मजा किया मतलब सब प्रैंक कौन कर रहा है? अभी तक तो किसी ने कोई प्रैंक नहीं किया है बट हम सब ना एक फैमिली की तरह है, तो यहाँ पे ना सबके साथ ही मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है और कोई भी कभी भी मजाक कर देता है एंड वी डोंट टेक इट ऑन अ हार्ट बिकॉज मजाक मजाक होता है एंड मजा आता है। या बॉन्डिंग प्रीति के ज़्यादा सीन्स उसके फैमिली के साथ होते हैं, तो मेरे जितने भी ऑन स्क्रीन फैमिली मेम्बर्स हैं जैसे कि पवन, नितिन उर्फ नितिन, मेरी जो ऑन स्क्रीन चाची हैं उर्फ स्नेहल जी, हमारे चाचा हैं उर्फ इकबाल जी एंड ये चार लोगों का परिवार है, हम ज़्यादातर हम साथ में शूट करते हैं तो उनके साथ मेरा बॉन्डिंग ज़्यादा बेहतर है कंपेरेटिवली एंड फिर तो ऑफकोर्स माई प्रीति का भी मंदिर राजवीर। शूट के दौरान मेमरीज तो काफ़ी सारी होंगी, कोई एक मेमरी जो फैंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? मतलब मेमोरीज तो सारे ऑफ कोर्स दिल के बहुत करीब है, अभी तक जितने भी दिन गए बहुत मज़ा आया, बट आई वुड से वन थिंग कि हमारा प्रीमियर था और उस दिन मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देख के आई गॉट इमोशनल, आई वाज लाइक कि यार मतलब दिस इज़ द डे आई वाज वेटिंग फॉर बिकॉज हम शूट कर रहे थे तो हम उस दिन का वेट कर रहे थे कब हमारा शो लॉन्च हो, तो दैट वाज द वन मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ। मैं ना इंस्टाग्राम पे अभी जाके एक्टिव हो रही हूँ, फेसबुक ट्विटर,
मैं देख रही हूँ लोग ना हमारे शो को टचवुड इतना प्यार दे रहे हैं ना, मतलब इतनी मेहनत करके एडिट्स बनाते हैं हमारे हर एक एपिसोड पे, दे टैग मी इन, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको यू नो अपने रीपोस्ट करूँ, बिकॉज आई फील कि भाई इतना अपनी पढ़ाई के साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, एडिट्स बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं, शो को इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं भी किसी ना किसी तरीके से उनको खुश कर दूँ। बट सबको पोस्ट करना पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, बट येस आई हैव बीन फॉलोइंग देम, आई हैव बीन चेकिंग देयर ईच एंड एवरी पोस्ट, ईच एंड एवरी कॉमेंट, एंड आई जस्ट लव देम। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग अस। प्रीति के तौर पर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं आपको ऐसे एंटरटेन करती रहूँ। बस ये विश्वास बनाए रखिएगा तो हम 500 एपिसोड भी दूर नहीं है। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.